अब इसके अलावा भाई, ये तो मैंने सब्जेक्ट की बात की कि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, हिंदी से भी आते हैं, साइंस से भी आते हैं, जीएस से भी आते हैं, और कोई सब्जेक्ट बचा? हाँ बचा एक मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें इस वाले जो लेटर पोर्शन है इसको करने से पहले आपको हर एक लेटर का नंबर याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके पहले देखो, ठीक है। कि एक से तीन जाने तो प्लस दो है, फिर प्लस दो है, सात से नौ प्लस दो है, फिर प्लस दो है, तेरह से पंद्रह प्लस दो प्लस दो, लेकिन सोलह के बाद तो सत्रह आ गया है। सोलह के बाद सत्रह मतलब ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता, मतलब मेरे पास पी क्यू एस वाला आंसर। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट, और मैं हूं आपका रीजनिंग एडुकेटर अरविंद। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये वेटेज इसका काफ़ी होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ही इसकी इतनी है कि आपको ज़्यादा ना पता होते हुए भी ये आपकी स्कोरिंग करा देता है, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिकल वे में सोचना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और जानते हैं इस टॉपिक में करना क्या है, कैसे करना है, कितने सेगमेंट में टॉपिक को डिवाइड करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बात जान लो कि ये टॉपिक अपने आप में सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। ये टॉपिक अपने आप में सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है, क्यों? चलो इसको जानते हैं। चलो क्लासिफिकेशन से जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वो टोटली थ्री टाइप से बनते हैं, ठीक है। नंबर एक आपका बनेगा वर्ड कैटेगरी, मतलब इसको हम कहते हैं वर्ड्स बेस्ड, ठीक है। नंबर दो बनता है यहां पे क्वेश्चन लेटर बेस्ड, ठीक। और नंबर तीन यहां पे क्वेश्चन बनता है नंबर बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले वर्ड बेस की, ठीक है। तो वर्ड बेस अपने आप में एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी होती है। कैसे वास्ट कैटेगरी होती है, आइए जरा इसको जान लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंग्लिश की। यहां पर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एंटोनियम एंड सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंटोनियम और सिनोनिम। नंबर दो हिंदी, सेम क्वेश्चन हिंदी से, मतलब हिंदी में ही लिखूंगा मैं इनको, क्योंकि हिंदी की बात करते हैं यहाँ पर ही हम। विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, मतलब ये भी हिंदी के एंटोनिम और सिनोनिम होते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी की अगर कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर एंटोनिम और सिनोनिम से पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर तीन बात करते हैं ये साइंस की। साइंस, अब साइंस अपने आप में तीन कैटेगरी से है, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स से अगर बात करते हैं तो फिजिक्स से मैक्सिमम यूनिट्स पूछी जाती हैं, तो आपको फिजिक्स में यूनिट्स याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो इस टाइप से यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी पूछ ली जाती है यूनिट से भी, ठीक। अच्छा फिजिक्स की बात हो गई है, केमिस्ट्री से भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है।
केमिस्ट्री में सॉल्ट और बेस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये, सॉल्ट एंड बेस, ठीक है, सॉल्ट और बेस से क्वेश्चन। नंबर लास्ट साइंस की कैटेगरी में बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स दे दी जाती है। बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, कुछ ना कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स दे दी जाती है, वहां से आप कैटेगराइज करवा लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ड बेस, लेटर बेस और नंबर बेस, ठीक है। तो बहुत लंबी लंबी लिस्ट है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे सबको बना के दे दूंगा, ठीक है लिस्ट। सबसे पहला असल मुद्दा ये होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा कैसे जाने वाला है, क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात जान लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है वो अपने आप में ये बताता है कि किसी भी, जो भी आपके पास वर्ड्स हैं, जो भी आपके पास लेटर हैं, जो भी आपके पास नंबर है, उनको क्लासीफाइड करो, उनको क्लासीफाइड करो। और क्लासीफाइड का मतलब ये होता है कि उनको अलग अलग कैटेगरी में सेट कर दो, जिस भी कैटेगरी के। तो यहाँ पे हमसे जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। चार ऑप्शन देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द ऑड वन आउट। इन चार ऑप्शन में ऑड वन, मतलब कि जो ऑड है यहां से, वो बताना है। अब ऑड कैसा बताएंगे, तीन जो ऑप्शन होंगे वो सेम कैटेगरी से होंगे, तीन ऑप्शन जो होंगे वो सेम कैटेगरी से होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, इसलिए इसका नाम क्लासिफिकेशन रखा गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाइड से आया, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि भाई जो तीन वर्ड एक ही कैटेगरी से हैं, या तीन नंबर एक ही कैटेगरी से हैं, या तीन लेटर्स एक ही कैटेगरी से, तो उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा और बचेगा एक अकेला ऑप्शन, या वर्ड का हो, चाहे नंबर का हो, चाहे लेटर का, वो एक अलग कैटेगरी का हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक अकेला अलग कैटेगरी से होगा वही हमारे लिए आंसर होगा, ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो बायोलॉजी के अंदर क्या होते हैं कि बायो के अंदर यहाँ पे चार अलग अलग टर्म दे दी जाती है, जिसमें कि तीन टर्म तो एक जैसी होती हैं, तीन टर्म्स तो एक जैसी रहती हैं और एक टर्म्स अलग रहती है, तो उस एक टर्म को ही हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक। तो साइंस के पोर्शन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर करते हैं। अगर इसी सिनेरियो को मैं आगे लेके चलता हूँ, तो आगे बात करते हैं हम कहाँ पर, जीएस में। जीएस ही अपने आप में काफ़ी वास्ट होता है, ठीक है। अब जीएस में इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो आपसे पूछ सकता है, हिस्ट्री से भी पूछ सकता है, ठीक है। हिस्ट्री हुआ आपका, सिविक्स हुआ, ठीक है, आपका ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, और इवन आपको इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी, ठीक। अब इसके अलावा भाई, ये तो मैंने सब्जेक्ट की बात की कि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, हिंदी से भी आते हैं, साइंस से भी आते हैं, जीएस से भी आते हैं, और कोई सब्जेक्ट बचा, हाँ बचा एक मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नंबर बेस में। अब बताओ और कोई बचा, नहीं बचा। अब जो इंग्लिश प्रॉपर वर्ड होते हैं तो वो इंग्लिश कैटेगरी में आ जाएंगे, कुछ लेटर प्रॉपर वर्ड नहीं बनाते, मतलब उन लेटर को अगर मैं अरेंज सही तरीके से ना करूँ तो वो कंप्लीट वर्ड नहीं होती, क्योंकि उनका वो मीनिंगलेस होते हैं। तो जो मीनिंगलेस वर्ड होंगे उसको डिस्कस करेंगे हम लेटर बेस में, क्योंकि वो कंप्लीट लेटर की कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड की कि भाई अरेंजमेंट ऑफ लेटर, ठीक है, इन एन मीनिंगफुल ऑर्डर, कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर देते हों, तो वो इंग्लिश की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेटर की कैटेगरी में जो मीनिंग ना देंगे, ठीक है, नंबर्स में हम मैथमेटिक्स वाला सारा पोर्शन, मतलब कि सारे नंबर को डिस्कस करेंगे। अब इनके अलावा, इन सभी सब्जेक्ट्स के अलावा और क्या क्या पूछे जाते हैं, आओ उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं, क्योंकि आपको उन पर काम करना पड़ेगा। और देखो बिल्कुल क्लियर और कट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जितना भी ये वर्ल्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, जितना भी ये वर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, इस पर आपको खुद से काम करना है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। खुद से क्यों काम करना होगा, क्योंकि इसका
जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी वास्ट है। ठीक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट से लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर एक्यूरेसी और स्पीड बनेगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो आगे की जरा लिस्ट जान लेते हैं हम यहाँ पर। देखिएगा, इसके अलावा आपसे पूछ लिए जाते हैं नेशनल डेज, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स कैपिटल, करेंसी, ठीक है, कैपिटल करेंसी, देन कैपिटल करेंसी की बात हो जाती है। और आपको सबसे ज़्यादा देखो कैपिटल करेंसी आपको कहाँ तक पता होना चाहिए, जो भी आपके न्यूज़ में कोई भी कंट्री होती है, जो भी न्यूज़ के अंदर कोई भी कैपिटल होती है तो उसकी आप कैपिटल जो भी कंट्री न्यूज़ में होती है तो आप क्या करेंगे उसकी कैपिटल उसकी करेंसी इंस्टेंट याद कर लो, तभी ये कवर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाउसेस, ठीक है, हाउसेस के नाम होते हैं, जैसे जो बर्फ में रहते हैं उनके घर को क्या कहते हैं, ठीक है, बर्फ वाले घर होते हैं छोटे छोटे, उनको इग्लू कहते हैं, इस टाइप से यहाँ पे हाउसेस। अब हाउसेस से दो कैटेगरी के भाई, ह्यूमन के हाउसेस अलग नाम होंगे जहाँ पे मानव प्रजाति रहती है, और एनिमल के हाउसेस के भी नाम होते हैं, तो इन एनिमल्स के हाउसेस के भी नाम सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन से बात करते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी कैटेगरी हो जाती है जहाँ पर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन सभी के अलावा और इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वर्ड बेस्ड जो कैटेगरी है वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका वर्ड बेस्ड कैटेगरी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा अब एक काम करते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, किस पर हम जानते हैं अब लेटर पर। तो देखो वर्ड कैटेगरी मेरे पास क्या हुआ, वर्ड्स को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है आपको खुद से। ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे अच्छे से वो करेंगे लेटर बेस, लेटर्स वाले और नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं लेटर बेस। लेटर बेस क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे और कैसे कैसे पूछे जाते हैं और इसकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, बात क्लियर है, चलिएगा। देखिएगा, मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा आपके सामने, इसको बड़े ध्यान से देखना।
हाँ जी, देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने चार क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। अब इन चार क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उनको जानेंगे कि हम किस तरीके से इनको कैटेगराइज करेंगे। मीन्स क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जो फॉर्मेट होगा वो आपसे पूछेगा फाइंड द ऑड वन आउट, ये आपसे पूछने वाला होगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ए जेड बी ए वाई। अब अच्छा, इसके लिए देखो यहाँ पे हमें इस वाले जो लेटर पोर्शन है इसको करने से पहले आपको हर एक लेटर का नंबर याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके पहले देखो, ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो सबसे पहले अगर आपके पास नंबर हैं तो नंबर्स लेटर्स के नंबर आपको याद होने चाहिए ए, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये क्या है ए और बी, मतलब ये तो प्लस वन हुआ। यहाँ पे देखो सेकंड में देखो सी और डी, ये भी प्लस वन हुआ। ई और एफ, ये भी प्लस वन हुआ। जी और एच, एच आना चाहिए था, ये प्लस वन है ही नहीं है। तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक एक, क्योंकि मैंने नियर बाई लेटर देखा, ए से पास में कौन है बी, मैंने बी को चेक करा, सी के पास में कौन है डी, डी को चेक करा, ई के पास में कौन है एफ, एफ को चेक करा, जी के पास में एच आना चाहिए था, मैंने एच को चेक करा, लेकिन एच नहीं हो के एस है, तो ये गड़बड़ है। तो देखो ऊपर के तीनों ऑप्शन में एक पैटर्न बना रहा है लेकिन नीचे वाले में गड़बड़ कर रहा है। अगर नीचे वाले में गड़बड़ कर रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन आएंगे और आपको देखना, ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो फॉलो नहीं करता पैटर्न को, जो बाकी तीन पैटर्न, जो बाकी तीन ऑप्शन में पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था ए सी ई, हमने क्या करा यहाँ पे नंबर लिखा एक तीन पाँच सात नौ और ग्यारह, ठीक है। यहाँ पे कितना है तेरह पंद्रह और सत्रह, ये क्या है सोलह सत्रह और उन्नीस। अब बड़े ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से क्या देखना है इसमें, ध्यान से आपको ये देखना है कि एक से तीन जाने तो प्लस दो है फिर प्लस दो है, सात से नौ प्लस दो है फिर प्लस दो है, तेरह से पंद्रह प्लस दो, लेकिन सोलह के बाद तो सत्रह आ गया है। सोलह के बाद सत्रह मतलब ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता, मतलब मेरे पास पी क्यू एस वाला आंसर हो जाएगा। पी क्यू एस वाला क्या हो जाएगा, मेरे पास सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा, ये आपका आंसर डी ओ जी सी ए टी एम ए टी और आर जे के। कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने ये एक कैटेगरी से क्वेश्चन बनाया, यहाँ पर एक अलग कैटेगरी से क्वेश्चन बनाया, यहाँ पर एक अलग कैटेगरी से और ये एक अलग कैटेगरी है। हमने देखा यहाँ पर डी ओ जी में, देखो यहाँ पर मेरे पास एक वावेल है, एक वावेल है और एक वावेल है, इस मेरे पास लास्ट वाले ऑप्शन में एक भी वावेल नहीं है, लास्ट वाले ऑप्शन में एक भी वावेल नहीं है। अगर मेरे पास एक भी वावेल नहीं है तो हमने इसमें क्या कैटेगरी बनाई कि भाई साहब इनमें तो सभी में एक एक वावेल है, एक एक वावेल है और इसमें एक भी वावेल नहीं है, मतलब ये तो केवल और केवल कॉन्सोनेंट से बना हुआ है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कंप्लीट मीनिंगफुल एक वर्ड है, डॉग कैट और मैट, आर जे के तो कोई मीनिंगफुल वर्ड हुआ नहीं है, तो ये मेरे पास इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आर जे के, क्लियर है। अच्छा कभी कभी क्या करते हैं, वावेल से भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपके पास तीन ऑप्शन में वॉवेल दे देंगे किसी एक में नहीं देंगे, या फिर किसी एक ऑप्शन में वॉवेल दे दिया जाएगा बाकी तीन को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वॉवेल से ध्यान रखना, आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, या तो एक में होगा या फिर तीन में होगा, ठीक है, चलेगा। अब अगले फॉर्मेट पे आते हैं। अगला फॉर्मेट हमारे पास दिया गया था ए डी सी एफ, हम इनके नंबर लिखते हैं एक चार तीन और छः सात पाँच नौ सात बीस अट्ठारह बाईस सोलह छब्बीस इक्कीस दो और तेईस। तो देखो एक से अगर तुम तीन देखोगे तो कितना एडिशन है प्लस दो का, चार से छः देखोगे तो प्लस दो का एडिशन है, मतलब ऑल्टरनेट लेटर्स पे प्लस दो का एडिशन है। यहाँ पर देखो जरा, कहाँ पर सात से नौ देखो, सात से नौ अगर देखा मैंने तो सात से नौ प्लस दो का एडिशन है,
पाँच से सात भी दो का एडिशन है, ठीक है, बीस से बाईस दो का एडिशन है, अट्ठारह से बीस, ओहो हो हो, गलती मिल गई हमें। क्या मिला कि यहाँ पे होना चाहिए था कौन सा, बीस नंबर होना चाहिए था, लेकिन गिवन क्या है, सोलह नंबर। इसी ने गड़बड़ कर रखी है। अगर इसने गड़बड़ कर रखी है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, देखो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा ना, क्लियर। बाकी 26 और दो 28 होते हैं, अब 28 ना लिखे, बी लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 26 के बाद तो लेटर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 21 और 23 ये भी सब कुछ सेट है, तो मेरे पास सही जवाब हो जाएगा ये वाला, क्लियर हुई बात। तो देखो लेटर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक। अच्छा, एक या दो क्वेश्चन कुछ मैं लिख देता हूँ अभी आपके पास वर्ड बेस्ड कैटेगरी से,